हेलो अनीस, कैसे हो? आपका मेल मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे मेल करा। आपने जो ऑफ डिले टाइमर की बात करी है, मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल अभी बता देता हूँ किस तरह से हमें ऑफ डिले टाइमर यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें कोई भी इनपुट चाहिए। सपोज़ आप कोई भी एक रिले यूज़ कर सकते हैं या कोई X0 इनपुट यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जैसा आप प्रोग्राम बनाएं। तो सबसे पहले एक इनपुट ले लूँ X0, उसके बाद मैं टाइमर यूज़ करूँगा T0K100, तो ये 10 सेकंड तक काम करेगा। ओके, अब देखिए, अगर आपको ऑफ डिले टाइमर यूज़ करना है तो आपको NC यूज़ करनी पड़ेगी T0 की। अगर आपको ऑन डिले टाइमर यूज़ करना है तो आप NO यूज़ करेंगे। अब मैं NC यूज़ करता हूँ, देखिए आप एक आउटपुट जनरेट करा देते हैं Y0। इसको रिबिल्ड करके हम सिमुलेट करेंगे। ओके, अभी आपका टाइमर काम नहीं करेगा क्योंकि अभी इसको कोई भी इनपुट नहीं मिला। जैसे ही मैं इसे इनपुट दूंगा तो आपका आउटपुट ऑफ होने में टाइम लगेगा, डैट इज ऑफ डिले टाइमर। देखो, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे 100 काउंट्स करेगा, आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखो, ओके, अगर आपको ऑफ डिले टाइमर यूज़ नहीं करना है, आपको ऑन डिले टाइमर यूज़ करना है, मतलब कि आपका टाइमर पूरा काउंट हो जाए फिर आपका आउटपुट जनरेट हो, तो उसके लिए आपको सिंपल एक एनोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिबिल्ड करके सिमुलेट करते हैं। आपका अभी कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि उसको जनरेट होने में टाइम लगाना है, डेट इज ऑन डिले टाइमर। अब मैं इसको इनपुट, अब जैसे ही 100 काउंट करेगा, 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ऑफ डिले और ऑन डिले का जो लॉजिक है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ओके, थैंक्स फॉर राइटिंग दिस, थैंक यू।